हमारा कोई प्लान नहीं था इस पर वीडियो बनाने का। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वीडियो बनेगा कि नहीं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है। आई डोंट नो अभी भी ये वीडियो बनेगा कि नहीं, बट हम सेफर साइड शूट करके रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो इवन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। कस्टमर ने ये गाड़ी खरीदी है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो सेकंड हैंड कार्स में डील करते हैं। मालूम तो चलो सबको ये है कि गाड़ियों पे थोड़ा बहुत भी कुछ काम होता है तो वो लोग पेंट करके दे देते हैं अपनी तरफ से। क्या पेंट करते हैं तो वही जाने, क्योंकि एज अ डीलर आप कभी भी ऐसे काम पे ज्यादा मनी नहीं स्पेंड करना चाहेंगे। कस्टमर ने ये गाड़ी खरीदी है, ये एक साल पुरानी गाड़ी है, अभी कितने में लिए मुझे नहीं पता, बट पूरी की पूरी गाड़ी रिपेंटेड है और वो रिपेंटेड इतनी खराब कंडीशन में है कि जो एक्सेसरी बैठी हुई थी बिना उतारे उसी के ऊपर पेंट मार दिया, बिना बिडिंग्स खोले पेंट मार दिया, कई कई जगहों पे स्टिकर लगे हुए थे उसके ऊपर पेंट मार दिया, पेंट बहुत जगह से ब्लिस्टर हो रहा है, बबल हो रहा है, रनडाउन दुनिया भर का रनडाउन है, कलर मैच नहीं हुआ है ठीक से, क्लियर की लाइंस बन गई है हर जगह क्लियर कोट की क्योंकि उन्होंने बिना एक्सेसरी उतारे किया। हमारे पास गाड़ी आई थी सेरामिक कोटिंग एप्लीकेशन के लिए और जब हमने एक्सेसरीज रिमूव करी आगे का पेंट करेक्शन का काम करने के लिए तो हमने सारी प्रॉब्लम्स नोटिस करी और एक एक करके फिर गाड़ी वॉश करके हमने कस्टमर को सारी चीजें बताई हैं। I mean, we expect that when you buy a second-hand car, that you know a couple of panels might be repainted. But yeah, for a car which is 4,000 run, I mean, I could not understand why it made sense to paint, repaint the whole car. And if they were doing that, they should have at least had the courtesy to remove the accessories and do. They made it so ugly. Yeah. Right, but then other thing we found was that bubbles, no? Hmm. That was not expected. Right, right. So I thought, yeah, the car, jab shuru shuru mein liya, to kya, how can it be like this? Right. That quality also was poor. It was about the paint job and what they did when they were planning to sell it. हर इंसान अपने बजट के हिसाब से अपनी ड्रीम कार फर्स्ट हैंड तो नहीं खरीद सकता, तो फिर सवाल ये आ जाता है कि आप अगर एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको एक बेटर वैल्यू मिल सके। पहली चीज़ तो जो मैं रेकमेंड करूंगा वो ये है कि आप अगर गाड़ी देखने जा रहे हो, चाहे वो किसी भी डीलर के पास हो या कोई भी एग्रीगेटर के पास हो, तो अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल रखो। यूजुअली हम ऐसे सिचुएशन में इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम गाड़ियों के साथ फॉल्ट ढूंढना ही नहीं चाहते। बहुत सारे डीलर्स आज की डेट में गाड़ियों की हेल्थ रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट अगर आपके पास है तो उसको आप पढ़िए, और अगर वो नहीं है तो गाड़ी को एक बार अच्छे से इंस्पेक्ट कीजिए। गाड़ी को क्लोजली देखने से ही बहुत बार छोटी छोटी चीजें पता चल जाती हैं। अब रीपेंटिंग के केस में डोर के एजेस देखना, क्रोम पट्टी के नीचे देखना, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो डोर जैम के अंदर जहाँ पे हिंजेस होते हैं उन एरियाज को देखना, ये सब एरियाज ऐसे होते हैं कि अगर रीपेंटिंग की हुई है तो बहुत बार इनमें या तो ठीक से फिनिशिंग नहीं की जाती या बहुत बार आपको ओवर स्प्रे दिखने को मिल जाता है। तो अगर सेलर आपसे ये बात छुपाना भी चाहता है तो आपको एक बेटर आइडिया आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गाड़ी अगर रीपेंटेड है तो डेफिनेटली एक्सीडेंटली होगी, कभी कभार छोटे मोटे स्क्रैचेस के लिए भी गाड़ी को पेंट किया जाता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। पर गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं ये भी बहुत सारी चीजें नोटिस करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा। बॉनेट खोलने के बाद आप हेडलाइट के पीछे वाले एप्रन्स को देख सकते हैं, अगर वो शेप ठीक नहीं है, आगे पीछे है थोड़ा भी या इवन नहीं है, तो वहां से समझ आ सकता है फ्रंट इंपैक्ट हुआ है गाड़ी को। अगर डोर्स और क्वार्टर पैनल के बीच में अलाइनमेंट वगैरह ऑफ है तो उससे भी समझ आ सकता है। गाड़ी पे जो धारे और जो शेप होती हैं अगर वो ऑफ हैं उससे भी पता चलता है कि यहाँ पर हैवी मार खाया है गाड़ी ने और ये रिपेयर किया हुआ काम है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा सा बस कॉशियस हो और 15-20 मिनट गाड़ी के साथ दे तो आपको भी बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेशनल फॉर इट।
इस केस में क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें बताया नहीं गया कि गाड़ी पूरी रिपेंटेड है, तो उन्हें लगा कि उन्हें बहुत अच्छी डील मिल रही है, बट एक्चुअली में अगर गाड़ी के सारे पैनल्स पेंटेड है और वो भी इस तरीके से किए हुए हैं, तो आप गाड़ी के प्राइस पे काफी अच्छा खासा नेगोशिएशन कर सकते हैं। और अगर सेलर आपके साथ नेगोशिएशन करने को रेडी नहीं है, तो आप उस गाड़ी को छोड़ के उसके अलावा दूसरी गाड़ी भी देख सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में जहां पर आप पीडीआई सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी बिजनेसेस हैं जो ये सर्विसेज ऑफर करते हैं एट अ मियर प्राइस ऑफ 1,000 to 2,000 rupees। I think the problem was since it's a complicated color to match. So there was no need to do the whole thing, but in order to make it look nicer and like it appears the same, they had to do the whole thing. Somebody who's not experienced to do a panel painting on this car, I'm 99% sure he'll not be able to match the color. They made it very ugly. Yeah. Even we did not expect it because sir bought in for a ceramic coating. But once we started removing things, we realized, we told him, if you don't want to paint it, don't even do ceramic on it. इस गाड़ी के कलर की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक एमजी ने बहुत ही अच्छा शेड चूज किया हुआ है। ये जो रेड कलर है ये बाकी कलर से बहुत पतला है, बहुत फाइन बैठता है। इसमें जो टिंटर्स जाते हैं और जो पिगमेंट्स जाते हैं वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, जो कि इस क्लास की और किसी गाड़ी में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। क्लाइंट को ये गाड़ी बेचने से पहले एग्रीगेटर ने जरूर ये गाड़ी पेंट कर ली, पर उसमें उस क्वालिटी का मटेरियल बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ जो एक्चुअली होना चाहिए था, जिसकी वजह से जो इस कलर का एक शीन है, जो इसमें कैंडी लुक आता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। एक बहुत ही अलग तरीके का शेड इस पे यूज किया हुआ था रेड का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक चीज जो मुझे हमेशा से सही लगी और इस चीज पे मैं विश्वास करता, वो ये है कि आपको कभी भी अगर ऐसा कोई ऑफर मिले जो आपको लगे कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, that it's too good to be true, then it usually is. सस्ती चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि हम अच्छी चीज ढूंढें। गाड़ी आपने एक ही बार खरीदनी है तो वो सही परचेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगले कुछ सालों तक उस गाड़ी को अपने पास रखने वाले हैं। और अगर गाड़ी खरीदने के बाद आपका खर्चा बढ़ता है या आपको स्पेयर पार्ट चेंज करने पड़ते हैं, आपको गाड़ी की बॉडी पे काम कराना पड़ता है, तो दैट इज ऑल गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट। अगर इन सब पॉइंट्स के बावजूद भी आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप वापस आके ब्रोटोमोटिव के वीडियोस देख सकते हैं। आप और नई चीजें सीख सकते हैं जो कि आपको ही ज्यादा अवेयर और जागरूक बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ब्रोटोमोटिव। बट नाउ इट्स लुकिंग मच मोर इवन, इट्स लुकिंग लाइक इट्स फ्रॉम द शोरूम इटसेल्फ। आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट।